बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये। सेकेंड पीढ़ी है, इनके पिताजी भी बनाया करते थे, अब ये बना रहे हैं। 50 साल हो गए इनकी शॉप को और ये 22 साल से भाई ये बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना एक्सपीरियंस होगा इन्हें और इनके हाथों में। ये क्या बन रहा है अभी मुकेश भाई? पाव। ये देखिए भाई, बटर देखिए, पूरा एक डब्बा बटर डाल दिया इन्होंने। ये बन रहा है सिर्फ पाव और कुछ नहीं। ये इनकी सीक्रेट चटनी, ये गया अपना धनिया। अब ये देखिए पाव जा रहा है। ओहो, पाव की लादी लादी यहाँ लग रही है। दो लादी लग चुकी है, तीसरी लादी पाव की। भाई साहब, यहाँ का टेस्ट तो बहुत ही गजब का होगा, क्योंकि कंटिन्यू में जब से खड़ा हो, जब से इनको कंटिन्यू बल्क में ऑर्डर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्डर भी आ रहे तो ऐसा नहीं कि एक प्लेट दो प्लेट, 10 प्लेट 15 प्लेट 20 प्लेट पाव आप बनाते हुए देख रहे हो, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनको ऑर्डर कितना आ रहा होगा। पर प्लेट दो पाव जाते हैं, उस हिसाब से देखिए। हाँ, कंटिन्यू चलो, दो मिला हो गया। हाँ, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने बल्क में पाव जा रहे हैं, उस हिसाब से ऑर्डर ही हो गए ना, तभी ये पाव बन रहे हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त। मुकेश पाव भाजी सेंटर में, जो कि लोकेटेड है मुलुंड वेस्ट में। अरे मुकेश भाई की पाव भाजी तवा पुलाव बहुत ही फेमस है, तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी तवा पुलाव की मेकिंग। ये गया टमाटर, पहले वेजिटेबल्स गया, कैप्सिकम अनियन, और उसके बाद ये जा रहा है टमाटर। भाई देखिए, देखे हो गए आपने, एकदम गरम गरम तवे पे इन्होंने हाथ से डाला है टमाटर और उसको पूरा मिक्स किया है हाथों से ही, मतलब उनको चटका भी नहीं लगा। ये देखिए, ये गया इनकी सब चटनी, ये सब मसाले, सीक्रेट मसाले। इनके मसाले बताएंगे नहीं वो, क्योंकि उनके खुद के बनाए हुए ये मसाले हैं, इसलिए इनके पास इतना ऑर्डर आता है। ज़्यादातर पार्सल ऑर्डर आता है अभी कोरोना के वजह से, लेकिन भाई साहब इनका जो स्वाद है बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बन रहा है तवा पुलाव। और इसे पूरा मैश कर दिए। तो अभी देखिए मुलुंड में अंधेरी से आया है वो अंकल, जो हेलमेट लगा के रखे, वो कम से कम 10 से 15 प्लेट पाव भाजी लेके जा रहे हैं। अंधेरी से मुलुंड आया, आप सोच सकते हो मुंबई में अंधेरी से मुलुंड सिर्फ पार्सल लेना है, तो मुकेश भाई का स्वाद, जो उनके हाथों में स्वाद है, जो वो बनाते हैं पाव भाजी, उसमें क्या बात होगी। पब्लिक अंधेरी से पार्सल ले जा रही है, अब और क्या बता सकते हैं आपको इससे ज़्यादा। ये देखिए, ये जा रहा है राइस, ये बन रहा है तवा पुलाव। ये भाजी चार मोदी। तवा पुलाव का क्या प्राइस है? 90 रुपीज़ का मिलता है तवा पुलाव। ये देखिए, तीन देना पार्सल, तीन पाव भाजी पार्सल और 8 पाव एक्स्ट्रा। ओके, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट भाई, मैं रेडी कर देता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में होगा ना? हाँ। ये तवा पुलाव देखिए बन चुका है। मुकेश भाई आपको कितने साल हो गए ये शॉप को? मेरे को तो 22 साल हुआ है। पाव भाजी बनाते हो? रोड पे देखिए और सब आपको मिल जाएगा। ओ भाई साहब देखिए, सिंस 1970 मतलब लगभग 50 साल हो गए हम लोग दूसरा पीढ़ी। और ये दूसरा पीढ़ी है जो बना रहे हैं, यहाँ पे इनका नंबर भी है राकेश भाई। तो देखिए इनके पास तवा पुलाव, खड़ा पाव भाजी, पाव भाजी मिलता है। आप लोग इनको ऑर्डर भी दे सकते हो और आके लेके भी जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये।
सेकेंड पीढ़ी है, इनके पिताजी भी बनाया करते थे, अब ये बना रहे हैं। 50 साल हो गए इनकी शॉप को और ये 22 साल से भाई ये बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना एक्सपीरियंस होगा इन्हें और इनके हाथों में कितना टेस्ट होगा। स्पीड देखिए, एकदम स्पीड में 5 मिनट में इन्होंने खड़ा पाव भाजी बनाया। 5 मिनट में बिल्कुल तवा पुलाव रेडी, मतलब कस्टमर को खड़े रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिल्कुल गरम गरम ताज़ा ताज़ा बिल्कुल माल मिलेगा आपको यहाँ पे। ओ भाई साहब जबरदस्त। और देखिए आप देख सकते हैं सब पार्सल ही जा रहा है इनके पास। अभी देखिए पाव ये बनाएंगे, पाव का क्वांटिटी भी ज़्यादा है। अब वो पाव बिल्कुल बल्क में कैसा बनता है वो आप देखिए। और ये पाव रेडी, अभी देखिए बन रही है जैन पाव भाजी। भाई कटिंग स्किल देखो, भाई स्पीड देखो कटिंग की, ये सिर्फ एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस है इनको, दूसरी पीढ़ी है और ये कटिंग से ही आप समझ चुके होंगे। ये बन रही है अभी जैन पाव भाजी। ये गया टमाटर, फोन कर मैं बताता। ये क्या चीज़ है? वटाना। अच्छा ये देखिए वटाना गया, ये गया मसाला, ये गया नमक, ये गया एक चिली की चटनी और इसे पूरा मैश कर दिया। तो अगर आप लोग जैन पाव भाजी खाना की पसंद करते हैं, आप लोग जैन हो तो आप मुकेश भाई के साथ पास ज़रूर आइए और उनकी ये जैन पाव भाजी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इसे पूरा मैश कर दिया इन्होंने। देखिए भाई बटर, पूरा बटरी पाव भाजी बना दिया इन्होंने जैन पाव भाजी को, ज़बरदस्त। इसका प्राइस कितना है जैन पाव भाजी का? 110 110 रुपये की है पाव भाजी। एक ऑर्डर ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तीसरा ऑर्डर चालू, तीसरे के बाद चौथा ऑर्डर चालू, वैसे ही वैसे हम लोग शूट कंटिन्यू करते जा रहे हैं जो जो ऑर्डर आ रहा है। ये देखिए बन रहा है पाव, जैन पाव है ये, जैन पाव भाजी के साथ।